मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते इंदौर के विधानसभा 3 और 5 अभी भी प्रत्याशियों के नाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अभी तक प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारा है। वही विधानसभा के लिए कई दावेदारों के नाम भी चर्चाओं में हैं, जिनमें से गौरव रणदिवे, महेंद्र हड्डिया, उषा ठाकुर जैसे चर्चित नाम इन विधानसभाओं के लिए सुर्खियों में हैं। उसी के चलते नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे से चर्चा की गई, जिसमें नगर अध्यक्ष ने कहा कि जो पार्टी का फैसला होगा वह सर्वोपरि होगा। अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो उसे जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है और चुनाव का बिगुल बज चुका है। उसी के चलते बीजेपी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर की विधानसभा 3 और 5 अभी भी शेष है। उसी के चलते दावेदारी कर रहे हैं गौरव रणदिवे जी। भैया, आपका नाम चल रहा है 5 नंबर और 3 नंबर से, किस तरीके की तैयारियां हैं? पहले तो मैं आपको सुधारना चाहूंगा, हमारे यहाँ 230 विधानसभा में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। हमारा प्रत्याशी कमल का निशान है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने पूरे सामर्थ्य के साथ कमल खिलाने के लिए तैयार है। भाई साहब, घोषणा पत्र कांग्रेस द्वारा जारी कर दिया गया है, बीजेपी अभी पीछे है, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र वो घोषणा पत्र नहीं होगा जो करो और भूल जाओ। पिछली बार भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था और इतने सारी घोषणाएं दी कि आज उनसे पूछने जाएंगे तो उनको याद भी नहीं होगी, और सारी घोषणाएं झूठी थी। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, वो जनता को वचन है, वो जनता को विश्वास है कि हम जो कहेंगे, हम जो लिख रहे हैं, वो सब कुछ हम करेंगे। और बहुत ही जल्दी भारतीय जनता पार्टी का जन कल्याणकारी और जन हितेशी घोषणा पत्र आपके बीच में आएगा। भाई साहब, 5 नंबर से आपको जिम्मेदारी देने की बात चल रही है, अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी? मैं आपके ही माध्यम से सुन रहा हूँ, मुझे तो ये पता नहीं है। अभी पार्टी की जिम्मेवारी मेरे पास है, मैं नगर का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष होने के नाते मेरी सबसे प्राथमिक और पहली जिम्मेवारी है कि इंदौर महानगर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत की ओर जाए और प्रचंड बहुमत से जीते, और हम सब कार्यकर्ता, हम सभी लोग हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में ये करने में लगे हुए हैं। मतलब कांग्रेस की सूची जारी हुई है, उसके बाद में देखा जा रहा है कि लगातार विरोध भी देखने के लिए मिल रहा है, बात की जाए विधानसभा 4 की इंदौर की। देखिए, कांग्रेस की सूची नहीं है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि पट्ठावाद और परिवारवाद से ग्रसित एक सूची है जिन नेताओं के पट्टे कांग्रेस में, हालांकि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मगर मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता है उसको कांग्रेस में कोई अहमियत नहीं है, पट्टों को अहमियत है, परिवार को अहमियत है। पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में लोग लड़ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव उनको लड़ाया जा रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर परिवार से आते हैं, तो वहाँ ऐसी ही सूची आएगी और शायद उनके कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान जागा है इसलिए विरोध तो करेंगे। पाकिस्तानी की एंट्री हुई है ऐसा कहा जा रहा है 4 नंबर के लिए। ये मैं बहुत ज़्यादा उनके प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, मगर मैंने जैसा कहा कि एक कार्यकर्ता को मिलता है तो कार्यकर्ता झूमता है, नाचता है और उसका स्वागत करता है, और पट्टों को और परिवारवादियों को मिलता है तो कार्यकर्ता दुखी होता है और कार्यकर्ता अपना दुख व्यक्त करता है। एक आखिरी सवाल, कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर कहा जा रहा है टिकट को लेकर कि दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ना। मैं कह तो रहा हूँ खुलेआम एक दूसरे के कपड़े फाड़ने को, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कमलनाथ के कपड़े फाड़ो, कमलनाथ कहते हैं कि मेरे बदले की गालियाँ दिग्विजय सिंह को बको, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि गालियाँ तो इन्हीं को बको, तो अब मुझे लगता है सिर्फ मारा कुटी बाकी रह गई उन लोगों में। ये थे हमारे साथ नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, जिनका जो नाम है 3 विधानसभा 3 और विधानसभा 5 से भी चल रहा है कि आखिरकार जो है शेष जो बची हुई विधानसभा है उस पर किसको टिकट मिलता है। बीजेपी जल्दी अपनी जो सूची है वह जारी करेगी। उसी के चलते गौरव रणदिवे ने भी कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, जो मीडिया के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से ही बताया जा रहा है कि आपका नाम भी है। तो इस तरीके की तमाम जो चर्चाएं हैं वो एशियन भारत टीम से आज गौरव रणदिवे द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ खुशबू यादव, एशियन भारत, इंदौर।